लक्ष्य को हर हाल में पाना है। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द अजम्पशंस और अजम्पशन ऑफ नंबर्स इन एपी। एपी में नंबर्स को अज्यूम कैसे करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। सो अजम्पशन ऑफ नंबर्स इन एपी, देयर आर टू केसेस। इफ द सम ऑफ नंबर्स इज गिवन, अगर हमें नंबर्स का सम गिवन हो तो अजम्पशन हम कुछ इस तरह से करते हैं कि उस सम की हेल्प से हम एक अननोन वेरिएबल ले आए। फॉर एग्जाम्पल वी आर गिवन द सम और हमको थ्री नंबर अज्यूम करने हैं तो हम अज्यूम करते हैं ए माइनस बी ए एंड ए प्लस डी, सो देट जब सम करेंगे तो डी कैंसल हो जाएगा और ए की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। फोर नंबर अज्यूम करने होंगे तो ए माइनस थ्री डी ए माइनस बी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी। फाइव नंबर अज्यूम करने होंगे तो यहां देखने वाली बात है, फर्स्ट केस में कॉमन डिफरेंस डी है, सेकेंड केस जब फोर नंबर अज्यूम किए तो कॉमन डिफरेंस टू डी रखा ताकि जब हम सम करें तो डी कैंसिल हो जाए। अगेन जब फाइव नंबर्स कैलकुलेट करने हैं तो नंबर्स आर ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी, हियर अगेन द डिफरेंस इज डी। और अगर सिक्स नंबर्स अज्यूम करने हैं तो ए माइनस फाइव डी ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस थ्री डी एंड ए प्लस फाइव डी। इस तरह से नंबर्स लेने के पीछे का लॉजिक क्या है, केवल इतना सा लॉजिक है कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे सम की तो डी अपने आप कैंसिल हो जाएगा। और सेकंड केस वो होता है जब सम ऑफ नंबर्स नहीं दिया हो तो हम नॉर्मल जैसे हमारी जनरल एपी होती है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, जितनी टर्म्स की जरूरत होती है उतनी टर्म्स को अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑन इट। एग्जाम्पल वन, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एन एपी इज 27 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293, फाइंड द नंबर्स। किसी एपी में तीन नंबर्स का सम 27 है और उनके स्क्वायर्स का सम 293 है, नंबर्स लाइए। अगेन हमको सम गिवन है, हमको सम दे रखा है तो हमने नंबर अज्यूम कर लिए ए माइनस बी ए ए प्लस डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम इज 27, डी से डी कैंसल हो गया, 3a इज 27 तो a 9 आ गया। वापस से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर इज 293। स्क्वायर को ए को 9 पुट करके स्क्वायर ओपन अप कर दिए मैंने, ए माइनस बी का स्क्वायर इज 9 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 18 डी, 9 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 18 डी, ए स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर, अगेन ए प्लस बी स्क्वायर इज 9 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 18 डी इज 293। 18 डी से 18 डी कैंसिल हो रहा है, डी स्क्वायर टू टाइम्स है टू डी स्क्वायर, 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर मीन्स 81 इंटू 3 दैट इज 243, तो 2 डी स्क्वायर आ गया 50, डी स्क्वायर आ गया 25, तो डी आ गया प्लस माइनस 5। मतलब फर्स्ट टर्म मेरे को मिल गई 9, सेकेंड टर्म मेरे को मिल गई प्लस माइनस 5। दो केस बना लेता हूं, व्हेन ए इज 9 एंड डी इज प्लस 5, तो नंबर्स आर क्या क्या थे, ए माइनस बी ए ए प्लस डी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 9 माइनस 5 9 एंड 9 प्लस 5 आ गया 4 9 एंड 14, एंड व्हेन ए इज 9 डी इज माइनस 5 अगेन नंबर्स आर ए माइनस डी ए प्लस डी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी ऑर्डर चेंज हो गया 14 9 एंड 4, नंबर्स आर सेम। सो दीज वर द अजम्पशन ऑफ नंबर्स एंड एग्जाम्पल ऑन इट। गुड क्वेश्चन, देखिए इसे आप ध्यान से। एग्जाम्पल टू, द सम ऑफ फोर इंटीजर्स इन एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 945। यहां पे गिवन है सम ऑफ फोर इंटीजर्स इन एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 945। अगेन द सम इज गिवन, तो लेट द नंबर्स बी ए माइनस थ्री डी ए माइनस बी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर सम इज 24, सम को 24 डाला तो 4a आ रहा है, 24 मतलब a आ गया 6। नाउ गिवन देयर प्रोडक्ट इज 945, चारों का प्रोडक्ट है 945, सो ए माइनस थ्री डी इंटू ए प्लस थ्री डी इज ए स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज कमिंग 945। अब इसमें हमने a को 6 डाल दिया, 36 माइनस 90 स्क्वायर 36 माइनस बी स्क्वायर इज 945। फर्स्ट फैक्टर में से 9 कॉमन ले लिया, 4 माइनस बी स्क्वायर इंटू 36 माइनस बी स्क्वायर इज 945 बाय 9,
तो हमको एक इक्वेशन मिली डी फोर प्रोडक्ट किया तो 144 माइनस 4d स्क्वायर माइनस 36d स्क्वायर प्लस डी फोर इज 105 तो क्वाड्रेटिक मिल गया डी फोर माइनस 40d स्क्वायर प्लस 39 इज जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स किए डी स्क्वायर माइनस 1 एंड डी स्क्वायर माइनस 39। अब डी स्क्वायर इक्वल टू 39 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नंबर्स जो थे वो इंटीजर थे तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा इंटीजर ही होगा और उसका स्क्वायर 39 पॉसिबल नहीं है। मीन्स डी स्क्वायर इक्वल टू 1 तो डी आ गया प्लस माइनस 1। नाउ व्हेन ए इज 6 डी इज प्लस 1 हम नंबर ले आए 3579 एंड व्हेन ए इज 6 एंड डी इज माइनस 1 नंबर आ गया 9753 क्योंकि पहले केस में डी प्लस था दूसरे केस में डी माइनस था तो पहले केस में नंबर इंक्रीज फॉर्म में थे दूसरे केस में नंबर डिक्रीज फॉर्म में थे। अनदर एग्जाम्पल 3 डिवाइड 69 इंटू 3 पार्ट विच आर इन एपी सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स इज 483। अगेन द सम इज गिवेन सो नंबर्स भी ए माइनस बी ए ए प्लस बी सम इज गिवेन 69 तो डी डी कैंसिल 3a 69 a आ गया 23। नाउ सम ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स प्रोडक्ट स्मॉलर पार्ट्स कौन कौन है a माइनस बी और a दोनों का प्रोडक्ट दे रखा 483 a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो 483 इज 23 माइनस बी 23 माइनस बी इंटू 23 इज 483 23 से डिवाइड किया तो मुझे मिल गया 23 माइनस डी इज 21 सो डी आ गया 2। अब ए और डी पढ़ा था तो हम नंबर ले आए। सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट अज्यूमिंग नंबर्स इन एपी एंड एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इट। होप यू हैव गॉट ऑल द थिंग्स विच आई वांट टू टेल यू इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट अच्छा लगे तो शेयर करें दोस्तों को बताएं एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर वीडियोस लाइक दिस। Thank you. Have a great day.